नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस प्लेइंग 11 की जो कि इंडिया की टीम अब वेस्टइंडीज के सामने लेकर उतरने वाली है। जी हां, आपको बता दें, टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच में अब एक T20 सीरीज खेली जानी है। और दोस्तों, टीम इंडिया अभी तक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रही है। इसका नतीजा ये हुआ है कि टीम इंडिया ने इंग्लैंड को बहुत बुरी तरह से इंग्लैंड में ही जाकर हरा दिया है। और अब बारी है वेस्टइंडीज की, और टीम इंडिया को वेस्टइंडीज में ही जाकर वेस्टइंडीज को हराने के लिए मेहनत करनी होगी। और इसके लिए भारतीय खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं, और इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ी प्रैक्टिस मैच भी खेल रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, और टीम इंडिया वेस्टइंडीज को वेस्टइंडीज में ही जाकर के हराने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये मुकाबले कब, कहां पर, कैसे खेले जाने हैं। फिर बात करेंगे कि टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 है, और फिर बात करेंगे कि कैसे टीम इंडिया के खिलाड़ी इन दिनों प्रैक्टिस में जी जान लगा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, टीम इंडिया वेस्टइंडीज में ये सभी मुकाबले खेलने वाली है, जिसका पहले वनडे मैच परसों खेला जाएगा यानी 22 जुलाई को, जबकि दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाएगा 24 जुलाई को, और तीसरा वनडे मुकाबला इस सीरीज का खेला जाएगा 27 जुलाई को। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज में ही ये सभी मुकाबले खेलने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया वेस्टइंडीज के दौरे पर है। और इस सीरीज के लिए किसी और को नहीं बल्कि शिखर धवन को कप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा, विराट कोहली इस सीरीज से बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा केएल राहुल को भी इस सीरीज से बाहर रखा गया है। इसके पीछे वजह यह है कि केएल राहुल को T20 सीरीज में मौका दिया गया है। तो चलिए बात करते हैं कि टीम इंडिया की इस सीरीज के लिए क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें कि शिखर धवन आपको टीम इंडिया की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और यही ओपनिंग करेंगे, यही कप्तान भी हैं। वहीं शिखर धवन का साथ देते हुए ओपनिंग कर सकते हैं ईशान किशन या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से कोई एक खिलाड़ी। वैसे ईशान किशन के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ईशान किशन बहुत ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा श्रेयस अय्यर आपको नजर आने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें, श्रेयस अय्यर विराट कोहली की गैर मौजूदगी में थर्ड नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे, जबकि चौथे नंबर पर सूर्य कुमार यादव आप सभी को नजर आने वाले हैं। वहीं पांचवें नंबर पर संजू सैमसन आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो कि बेहद ही शानदार फॉर्म में हैं। इसके अलावा छठे नंबर पर आप सभी को रविंद्र जडेजा नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ आप सभी को हार्दिक पांड्या नजर आने वाले हैं, साथ ही युजवेंद्र चहल जो कि इन दिनों बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं। तो वहीं आवेश खान आपको नजर आएंगे, जो भारतीय गेंदबाजी में जान डालेंगे, और बुमराह की गैर मौजूदगी में आवेश खान को ही टीम इंडिया को संभालना होगा। वहीं मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह भी तेज गेंदबाजी करते हुए नजर आने वाले हैं। आपको बता दें, ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है, और टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हराने के लिए लगातार प्रैक्टिस मैच भी खेल रही है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज पर बुरी तरह से भारी पड़ने वाली है। तो यही था वीडियो में, वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।